दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें पावर जो है, इसमें जो है स्विच जो है, स्विच इसकी ख़राब है। देखिए दोस्तों इसकी स्विच ख़राब है जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये स्विच जो है यहाँ पे ये ख़राब है। इसको हम रिपेयरिंग करने के लिए आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अब इसको हम खोल दिए और देखिए दोस्तों इसमें एक स्विच नहीं है। इससे क्या है कि इसमें और जो है फंक्शन नहीं काम करता क्योंकि ये मोड़ की होती है। तो दोस्तों इसमें भी एक ही प्रॉब्लम है जो कि इसमें भी देखिए इसमें मोड़ की ये, इसको अगर जो है ये बटन अगर ख़राब होती है तो आप जैसे कि इसमें अगर पावर देंगे तो आप इसको मोड़ को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए अगर ये जो है ऑक्स पे है तो आप इसको बहुत ज़्यादा आप इसको जो है नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं, बट इसको जो है मोड़ इसका चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसको आप लोगों को इसमें बटन जो है कैसे लगाते हैं अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें भी आप लोग देख सकते हैं इसमें भी ये बटन जो है इसमें भी ख़राब है जो कि इसका जो है नेक्स्ट के बटन है ये ख़राब है। तो दोस्तों इसको हमें तीनों में बटन जो है इसको पहले हम चेक करते हैं तीनों को। देखिए दोस्तों ये भी हमारा ब्लूटूथ पैनल ऑन है बकायदा, सिर्फ इसकी बटन प्रॉब्लम है। और दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये देखिए इसमें भी हमारा जो है बटन का ही प्रॉब्लम है और इसका भी, इसको दोस्तों माइक्रो स्विच बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें भी माइक्रो स्विच की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अब जैसे कि इसमें FM आ रहा है तो आप अगर इसका मोड चेंज करना चाहेंगे तो नहीं चेंज होगा, किसी भी तरीके से अगर चेंज करेंगे तो नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, इसका तीनों में हम बटन लगाएंगे। अब जैसे कि हमारे पास बहुत से ब्लूटूथ पैनल होते हैं, अब देखिए दोस्तों ये हमारा ब्लूटूथ पैनल ऑन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इसमें से जो है माइक्रो स्विच निकाल के इसमें लगा देंगे। तो अब हम इसमें आप लोग बताते हैं कैसे इसमें लगाना है। पहले हम इन सबको साइड कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं और अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अब हमें इसकी माइक्रो स्विच निकालना है इसमें से और इसको कैसे निकालना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया जो कि आप लोग को सही दिखे। तो दोस्तों इसको आसानी से हमें निकाल देना है। पहले हमें क्या करना है कि इसमें हल्का हल्का पेस्ट लगाना है। ये देखिए दोस्तों इसमें हल्का हल्का ऐसे पेस्ट लगा देना है, इससे क्या है कि निकालने में आसानी होगी। तो इसकी प्रिंट नहीं टूटेगी और ये हमारा मॉड्यूल भी ख़राब नहीं होगा, बाद में हम इसकी IC चेंज कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या है, हल्का सा कटिंग कर लेना है इस तरीके से, जो इसके पास में हो उसको कटिंग कर लेना है क्योंकि अगर आप लोग निकालेंगे तो इसकी बटन टूट जाएगी, मतलब इसकी प्रिंट टूट जाएगी। तो अभी हम आप लोग को बताते हैं कैसे निकालना है जो कि प्रिंट एक भी नहीं टूटेगी। तो अब देखिए दोस्तों हमें अब निकालना है इसका, इस तरीके से निकालना है। देखिए इसको हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे, ये देखिए देखिए आसानी से ये निकल गई। अब हम दूसरी निकालते हैं इस तरीके से, ये देखिए इसकी भी ये भी निकल गई। और इसको भी निकालते हैं, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें तीन बटन की ज़रूरत थी और तीनों बटन निकल गए। और देखिए किसी का भी प्रिंट नहीं टूटा है, आप लोग देख सकते हैं किसी का भी प्रिंट नहीं टूटा है। और ये देखिए ये हम इस तरीके से हटा सकते हैं, हटा दिए और इसमें किसी की भी प्रिंट नहीं टूटा है। तो आप लोग को थोड़ा सा देखिए दोस्तों बटन आराम से निकल गई और तीनों का जो है प्रिंट नहीं टूटा है। अब हम इसकी बटन को इसमें लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको हमें क्या करना है, पहले इसको इस तरीके से हल्का सा साफ करना है, देखिए इस तरीके से इसको साफ करना है और इसको आसानी से इसमें लगा देना है। देखिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा शोल्डर लेंगे, देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें सोल्डिंग कर देना है। यह बटन हमारी ओके हो गई और यह हमारा हमारा मोड जो है नेक्स्ट काम करेगा। अब दूसरे में भी लगा देते हैं, देखिए दोस्तों इस तरीके से
हल्का सा फंसाएंगे पहले, और उसके बाद हम आयरन सोल्डिंग की मदद से इसको लगा देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों ये भी लग गया, इसको भी मैंने लगा दिया, और इसमें भी अब मोड़ का बटन काम करेगा। अब हम इसको भी लगा के दिखाते हैं आप लोगों को। इसमें भी इस तरीके से इसको पहले हमें ऐसे लगा लेना है, और हल्का सा ऐसे सोल्डिंग कर लेना है देखिए दोस्तों, और इसको इस तरफ से सोल्डिंग कर लेंगे, और इस तरफ से भी कर लेंगे, और इस तरफ से भी कर लेंगे, और अब ये तीनों के तीनों हो गया, ओके हो गया। और अब हम इसको आप लोग को चेक करा के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इसको अब लगाएंगे, और अब हमारा ये मोड़ वगैरह आसानी से जो है चेंज होगा। देखिए दोस्तों हल्का सा सोल्डिंग नहीं हुआ है, एक मिनट इसको दोबारा सोल्डिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों अब इसको दोबारा सोल्डिंग कर दिया। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। देखिए दोस्तों अब FM चलने लगा, और अभी इसमें जो है ये इको, और ये जो होगा हमारा जो है ब्लूटूथ का। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा इस तरीके से इसको भी देखिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास जो है देखिए अब ये इसका भी ये भी ओके हो गया। जैसे कि आप लोगों के पास जैसे मॉड्यूल ख़राब होते हैं, और जो मॉड्यूल सही होते हैं उसका पार्ट्स निकाल के उस अलग लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा ये जो है नेक्स्ट काम करने लगा, और ये हमारा इस तरीके से ब्लूटूथ पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और अब इसको आसानी से इस तरीके से फिट कर लेना है। देखिए दोस्तों इसको भी फिट कर लेंगे, इसको भी फिट कर लेंगे इसमें इस तरीके से, इसको भी फिट कर देंगे। देखिए दोस्तों ये ओके हो गया। और इसमें इसकी बटन टूटी हुई है, तो इसकी बटन दूसरी लगा देना है, ये एकदम ओके हो जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से आप लोग आसानी से जो है USB MP3 पैनल जो है रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो करना ज़रूर, और दोस्तों लाइक ज़रूर करना दोस्तों प्लीज़। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।